जमीर के कैदी इमरान खान जेल में गए हैं, उन्होंने कौम पूरी को मुखातिब करके बराए रास्त पैगाम दो दफा दिया है। पहली दफा तब जब हमसे हमारा बल्ला छीना गया, इलेक्शन छीनने की मंसूबा बंदी हुई और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हुए। उस वक्त 8 फरवरी के दिन इमरान खान ने पहली दफा कौम को आवाज दी, जहां बैंगन था वो भी जीत गया, जहां किसी को तोहिन के लिए जूता दिया था उन्होंने वो भी जीत गया, और इतने जूते पड़े उनको जो पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी करके आइन की तोहिन करना चाहते थे कि जो तारीख में इससे पहले किसी पे इतनी जूताबारी नहीं हुई, वोट के जरिए से लोगों ने मारे उनको। ये वो पहला मौका था जिसपे इमरान खान ने बराह रास्त कौम को पैगाम दिया था। ये दूसरा मौका अब है कि पूरी कौम को बराह रास्त पैगाम दिया है इमरान खान ने कि 24 तारीख को आप बाहर निकलें और 3 कामों के लिए, 1 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से जो सुप्रीम कोर्ट के पर काटे गए उसके खिलाफ एहतजाज है, दूसरा रूल ऑफ लॉ की बहाली है, तीसरा चोरी शुदा मैंडेट है। और आप अगर हमसे पूछें तो हमारे लिए सबसे पहला इमरान खान की रिहाई है। 200 मुकदमात बनाए गए, सारे झूठे हैं, किसी एक मुकदमे में कोई जरा सी सच्चाई होती तो वो अपील में जाके खड़ा होता, नहीं है। इसलिए इस कॉल के ऊपर पूरी कौम बाहर निकल रही है, पाकिस्तान तरीके साफ तैयारी कर रही है, और हम ये जो एहतजाज इससे पहले 3 हुए हैं ये उनसे बड़ा एहतजाज होगा। और बहुत सारे लोगों को जो ये कहते थे कि पीटीआई बाहर नहीं निकल सकेगी और उसके लिए उन्होंने किराए के टट्टू बिठा के मुख्तलिफ जगह पे प्रोपेगेंडा किया, उनके मुंह पे वैसा ही आके प्रोपेगेंडा पड़ेगा जिस तरह से वो ट्वीटें करते थे कि ट्रंप ने नहीं जीतना, आप ट्वीटें डिलीट करते फिर रहे हैं, भाग रहे हैं। इस वक्त दूसरा जो अहम इशू है वो ये है कि पाकिस्तान किराए पे दे दिया गया है, पाकिस्तान की ज़राअत को जानबूझ के बर्बाद किया गया है, पाकिस्तान के किसान की गंदम को जानबूझ के नहीं उठाया गया, गंदम टके टोकरी बिकी है। उसका नतीजा है कि अब बुवाई का सीजन है, मैं खुद काश्तकार हूँ, उनका बच्चा हूँ, इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उस तरह की गंदम आप कोई लगाने के लिए इसलिए तैयार नहीं होगा कि आप इंडस्ट्री जो आपको कुछ नहीं दे रही, गंदम खाने के लिए पूरे पाकिस्तान को किसान देता है, चावल किसान देता है, शक्कर पीने वाली उसका गन्ना किसान देता है, किसान के लिए बिजली महंगी और अपनी जो मिलें लगाई हुई हैं उनके सस्ती, किसान के ऊपर नया टैक्स लगाया गया है, इसलिए ये जानबूझ के पाकिस्तान को कुछ अरब शहजादों को किराए पे दिया जा रहा है। ये बात कोई नहीं कहता, मैंने कही है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो भी तजारत के नाम पर आई थी, तजारत के नाम पर मुल्क को फरोख नहीं करने देंगे हम। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त आलमी सतह पे कोई हैसियत इन्होंने नहीं छोड़ी, ये जान के फेडरेशन को तोड़ना चाहते हैं, ये जान के पाकिस्तान के बच्चों को लाखों के हिसाब से, पासपोर्ट वाले इदारे ने खुद कहा है कि वो 40,000 पासपोर्ट रोज़ाना उनके पास एप्लीकेशन आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं साल में 365 दिन होते हैं कि कितनी एप्लीकेशन लोग उम्मीद ख़त्म कर रहे हैं इनमें से। फिर हमें ये 21वीं सदी से निकाल के औरंगजेब वाली सदी में ले जाना चाहते हैं, ये 16वीं सदी में हमें ले जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी सारी, इस टेक्नोलॉजी को खोलने के लिए जो पिन है उसको कहते हैं वो हराम है, ये सरकारी और दरबारी उन्होंने रखे हुए हैं जो उनको ये मौका फराहम कर रहे हैं कि पाबंदियां लगाओ, जो बच्चे घरों के अंदर बैठ के, जो बच्चियां घरों के अंदर बैठ के पढ़ते हैं सारी दुनिया के अंदर, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनके रास्ते बंद कर रहे हैं, रोजगार है नहीं, नौकरी किसी को मिल नहीं रही, कारोबार है नहीं, और
ताजरों के साथ भी ज्यादती हो रही है। इसलिए मैं इमरान खान का पैगाम पूरी कौम को देना चाहता हूँ, ताजर बरादरी, किसान बरादरी, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के यूथ, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के डॉक्टर, पाकिस्तान के लोग, ये मुल्क हमें किसी ने फतह नहीं करके दिया, ये कायदे आजम ने बना के दिया था। ये मुल्क किसी ने जंग लड़ के हमें ला के नहीं दिया, ये मैंने तुम्हारी जंग जीत ली है, ये सियासी लोगों ने मुल्क बनाया था और दयानतदार सियासी लोगों ने मुल्क बनाया था, उसको लूटा जा रहा है। बाप बीमार होता है तो उसका इलाज लंदन में, बेटी बीमार हो जाए तो स्विट्जरलैंड में। आप तो कहते हैं पाकिस्तान में सबसे अच्छे अस्पताल बने हुए, कराओ ना इलाज, मियो अस्पताल जाओ, गुलाब देवी जाओ, लोगों के साथ खड़े होकर इलाज कराओ, तुम्हें पता लगे किस भाव इलाज होता है, कैसा इलाज होता है, कितना इलाज होता है, किस तरह से इलाज होता है और एक एक बिस्तर पे कितने मरीज पड़े हुए हैं। इस तरह से रियासत नहीं चल सकती। रियासत चलाने के लिए जरूरी है कि रियासत के लोगों ने जो फैसला दिया है उसको कबूल किया जाए, चोरी शुदा मैंडेट रिकवर किया जाए। और जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि एहतजाज नहीं होगा, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपकी तनख्वाहें, आपकी मराहत, आपके सरकारी दौरे अपनी जगह, लेकिन इतना झूठ ना बोलें कि नवंबर भी गुजर जाए तो बारिश ना हो आपके झूठ की गर्मी की वजह से। थोड़ा सा अल्लाह का खौफ करें। और फिर ये सारे लोग हैं, इन चेहरों को लोग पहचानते हैं, ये हमेशा डिक्टेटर्स के साथ रहे, इनमें से एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने हर डिक्टेटर को ठीक ना कहा हो। ये हैं वो बोलने वाले, ये हैं वो लिखने वाले, ये हैं वो प्रोपेगेंडा करने वाले। वजारतों के मजे लेना और बात है, ऑपोजिशन की हरारत लेना और बात है, उसके लिए मर्दानगी चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, अल्लाह पे ईमान चाहिए, अपने लोगों के ऊपर यकीन चाहिए और थोड़ा सा हौसला चाहिए। इसलिए मैं किसी पे तबसरा नहीं करूंगा फर्द पे कि बाहर बैठ के। मैं फिर आपको ट्रंप की मिसाल देता हूँ। कल एक यूरोपियन टेलीविजन ने दिखाया कि 87% मीडिया कहता था ट्रंप हार जाएगा, कहता था ना, और यहाँ इस तरह पता लगता था कि ट्रंप के मुकाबले में हमारे कुछ मीडिया के दोस्त ऐसे थे जो इतना चीख रहे थे, पता लगता था कि ट्रंप के मुकाबले में उनकी फूफो खड़ी है, वो हार गई तो घर वाले नाराज हो जाएंगे। इसी तरह से कब ये प्रोपेगेंडा है कि लड़ कौन रहा है भाई सब जगह, पीटीआई खड़ा कौन है, पीटीआई किसका लीडर मुल्क से नहीं भागा, पीटीआई किसका लीडर बीमार होकर अस्पतालों में नहीं जा रहा, पीटीआई किसका लीडर है जिसने कभी किसी को गाली नहीं दी। मैं ये तारीख आपको बताना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, कि मुझे ये बताएं कि जो मौलाना साहब को डीजल किस पार्टी के लीडर ने कहा था, नवाज शरीफ के साथी ने। बीबी साहिबा को मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, किस चीज से तशबीह दी, किसने दी थी, उन्हीं के साथी ने। और मुझे बताएं एक हमारे साथ मिनिस्टर थी, उसको ट्रैक्टर ट्रॉली हाउस में खड़े होकर किसने कहा था, उसी ने। और वो कौन थी खातून जो ये कहती थी कि जब तुम बाहर निकलोगे प्रोटोकॉल नहीं होएगा तो लोग तुम्हें घर से नहीं निकलने देंगे। अब तो मुझे शक पड़ गया, वो अपने अब्बा जी को कह रही थी। लोग जहां जाते हैं निकल के उसका रास्ता रोकने के लिए खड़े होते हैं। इसलिए प्रोपेगेंडे को भूल जाएं।